नमस्कार, मैं गोविंद जोशी, आप लोग देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल का मैच हो रहा है जयपुर के मैदान में, जहां पर संदीप शर्मा ने घातक गेंदबाजी करी और एक कीर्तिमान रचा। संदीप शर्मा ने 5 विकेट झटके मुंबई इंडियंस के खिलाफ और बहुत बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन किया संदीप शर्मा ने। इसके पहले युजवेंद्र चहल भी अपना एक कीर्तिमान रच चुके हैं आईपीएल इतिहास में। 200 विकेट पूरे करने वाले इकलौते गेंदबाज बने हैं युजवेंद्र चहल, और अब संदीप शर्मा ने मुंबई इंडियंस के एक एक करके 5 बल्लेबाजों को अपने शिकार बनाया और बहुत शानदार गेंदबाजी करी। सबसे पहले संदीप शर्मा ने पावर प्ले में ईशान किशन का विकेट झटका, ईशान किशन को 0 रन पर चलता करा संदीप शर्मा ने की एक घातक गेंद ने। उसके बाद फिर संदीप शर्मा ने इन फॉर्म सूर्य कुमार यादव को, जो कि पिछले मुकाबले में अर्धशतकीय पारी खेलकर आ रहे थे, उनको भी आउट करा। इसके बाद संदीप शर्मा का अगला शिकार बने तिलक यादव, जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने एक अर्धशतकीय पारी खेली और काफ़ी अच्छी पारी के बदौलत मुंबई इंडियंस एक सेफ टोटल पर पहुंची, लेकिन उनको भी आउट कर दिया। और जो एक खतरा था तिलक वर्मा, जो एक अच्छा फिनिश कर सकते थे, उस खतरे को भी कम करा राजस्थान रॉयल्स के लिए। इसके बाद अगर बात करें संदीप शर्मा की, तो संदीप शर्मा ने 2 विकेट और निकाले, जिसमें टिम डेविड और जेराल्ड कोइट्जे का विकेट था। तो संदीप शर्मा ने इस तरीके से 5 विकेट आज अपने नाम किए हैं मुंबई के खिलाफ। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 3रे गेंदबाज बने हैं संदीप शर्मा, जिनका बॉलिंग फिगर बहुत अच्छा है। इसके पहले संदीप शर्मा का अगर बॉलिंग फिगर देखा जाए, तो आईपीएल में उन्होंने कभी भी 5 विकेट नहीं झटके थे, और उसके बाद आज के मुकाबले में 5 विकेट झटके, वो भी 18 रन देकर। तो बड़ी कंजूसी से रन खर्च किए हैं और 18 रन पर 5 विकेट लिए हैं। इसी मैच की तमाम अपडेट्स के साथ हम एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे। इसी तरीके की स्पोर्ट्स की खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।